इसका पार्ट तैयार हो गया है। ठीक है, ये देखिए हमारा सेंटर अभी हमें करना है। ठीक है, इसको अभी सेंटर करना है। ठीक है, ऐसे करना है हमें। ये देखिए फ्रेंड हमारा स्लीव तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये जो पार्ट जो बचा है फ्रेंड, ये पार्ट हम नहीं लगेगा हमें। ठीक है, तो इसलिए हम ये पार्ट को हम नहीं रखेंगे ये इस तक। तो ठीक है, तो दिखा दिया, अब हम इसको स्टिच करेंगे, कैसे ये स्लीव्स को हम कंप्लीट करते हैं। मैं इस तक ही दिखाऊंगा फ्रेंड। तो इसके लिए मैं बॉडी से और कोई भी डिजाइन में जाकर हम नहीं लगाएंगे इसे, क्योंकि पेटल स्लीव अगर कैसे कटिंग करना है तो ये आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे इसको स्टिच करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैं पेटल स्लिप करके मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा जो प्लेन साफ जो खटा हुआ था जो मशीन में, वो हटाकर हमने ये प्लास्टिक वाला चाप लगाया। ठीक है, तो हमें तो पाइपिंग करेंगे हम, और आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो मैं तो ये सिंपल सा एक पेटल स्लिप दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और ये पाइपिंग कैसे कटिंग करते हैं हम, जो कॉट पाइपिंग, वो तो हमने पिछले वीडियो में मैंने दिखाया। ठीक है, इसलिए हम ये कैसे तैयार करते हैं ये पाइपिंग, ये हम नहीं दिखाएंगे इस वीडियो में। अगर कोई भी लोग इस वीडियो को नया देखे और कैसे पाइपिंग बना दे वो अगर ना सीखे, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा आप मेरा जो कॉट पाइपिंग वाला जो वीडियो है वो देखें और उसे सीखें, उसके बाद ये पाइपिंग कैसे तैयार करें तैयार करके ये वीडियो सीखे। ठीक है, और बाकी सब एक ही है। ये देखिए फिर से हमें जो प्लास्टिक चाप लगाया था वो हमने हटा दिया, हटने के बाद हम यह लगा रहे हैं जो प्लेन चाप से हम करेंगे। और फ्रेंड आप लोग इसी तरह हमें रिक्वेस्ट करते जाए, हम आपको रिक्वेस्ट के हम वीडियो हम अपलोड करता रहूँगा। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने कॉट के पास एक स्टिच हमने दिया है, अब हम दूसरा करेंगे। ठीक है, तो आप दूसरा कर ही सकते हैं ना कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से करना चाहिए दूसरा स्टिच, इसमें फिनिशिंग अच्छा होगा। और फ्रेंड कॉट लगाने के साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए आपको, ये देखिए मैंने जो दूसरा जब स्टिच दिया है इसको कॉट के थिकनेस से थोड़ा सा कम दिया है, यानी कि हम जब दूसरा स्टिच देंगे वो कॉट के ऊपर ही रखना चाहिए, मगर ये थोड़ा सा बढ़ जाए आपको कट के ऊपर चला जाए तो फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, ये कॉट ऐसे हिलता रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा तो दोनों स्टिच कट से ऊपर गया है। ठीक है, यह देखिए हमारा मैस्टी हमारा जो पेटल जो स्लीव्स मैंने तैयार कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा आप देखिए,
ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो दोनों पार्ट है वो तैयार हो गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, इसको ये जब हम पाइपिंग लगाएंगे तब प्यार करके लगाना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे लगाना, ये हमारा प्यार ऐसा हो दिखेगा, आप किसी किसी तरह ऐसा दिखेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। हमें सिर्फ करना है इसको प्यार करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये देखिए थोड़ा सा खुद ब खुद ये मिल जा रहा है। ये देखिए हमारे इस टेकन को मिलाना है हमें, ठीक है। ये थोड़ा जो हमने टेकन दिया है इसके, तो ये और इस शेप से ऐसे मिलाना है आपको, ठीक है। अब हम ऐसे स्टिच करें, इस तक स्टिच करेंगे हम, ठीक है। और बाकी तो एक ही है, हो जाएगा हमारा स्टिच स्लीव जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड, हमारा पिटल स्लिप तैयार हो गया है। ये हम इस तरफ हम खुला रखा है, आप खुला रख सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं अब काफी देर, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को अब मैं कहूँगा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो इंटरनेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपका चैनल पर चला जाएगा। और जो फ्रेंड घर में बैठकर इसी तरह देख रहे हैं मेरा वीडियो काफ़ी दिनों से और बहुत कुछ सीख रहे हैं, उन लोगों को मैं फिर से थैंक्स कर रहा हूँ। आप इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।